को ये हो गया लेग मेरा इंजर्ड। अब वेट को वेट समझना है कभी नहीं करनी वेट के साथ बिल्कुल। एक छोटी सी गलती और उसका इतना बड़ा खामियाजा ना आपको भुगतना पड़ता है। लेग रिकवर हुआ बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे, तो अब ये लेग इंजर्ड हो गया। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं सारे के सारे भाई लोग? भाई बाल देखो मेरे कैसे हो गए, बिल्कुल एकदम घने हो गए भाई। बीच में से बाल, जब मैं अभी तैयारी कर रहा था तो बीच में से बाल पूरे गायब हो गए थे मेरे। अभी मैंने एक मोनिकुलर मंगवाया है, वो कहीं बाहर से मैंने इम्पोर्ट करवाया है। आप यकीन नहीं करोगे, 2 से 3 ड्रॉप उसकी सिर्फ आपको उस इस जगह पर डालनी है जहाँ पर आपके बाल ख़त्म हो चुके हैं। लाइक देखिए, 2 टाइप के बाल, या तो एक तो होता है कि बाल बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं जड़ से ही, एक होता है कि बाल टूट जाते हैं। जब हम ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं, सामान वगैरह यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है, बाल हमारे झड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। बॉडी बिल्डर के बाल अक्सर ऐसे बहुत सारे बंदे होंगे, बच्चे होंगे जो बॉडी बिल्डर्स हैं, जिनके बाल जवान हैं लेकिन बाल उतर रहे हैं, ये झड़ रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रामबाण इलाज है भाई। एक तो बाल की डेंसिटी देखो, थिकनेस, बाल इतने ज़बरदस्त हो जाएंगे ना आपके, जिसकी कोई नहीं। डेली ड्रायर मारता हूँ, ड्रायर मारने में बाल खराब हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बाल बिल्कुल एकदम सॉलिड है। रीज़न ये है कि ड्रायर से पहले जो है आपको हेयर प्रोटेक्टर यूज़ करना होता है। हेयर प्रोटेक्टर से जो है बाल आपके ड्राई नहीं होंगे, खराब नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, वो आपको केयर करेगा बालों की। उसके बाद आपने जो है बाल थोड़ा सा सेट करने के बाद उसमें साइनर लगाना होता है, लिक्विड होता है साइनर, वो साइनर लगाओ, उसके बाद सेट करो, आपका एक नंबर के बाल रहेंगे। शैम्पू जो भी यूज़ कर रहे हैं, जितने भी शैम्पू आप यूज़ करते हो, सब केमिकल वाले शैम्पू हैं। केमिकल वाले शैम्पू यूज़ न करके आप हर्बल का कोई भी शैम्पू यूज़ करो, वो अच्छा होगा, आपके लिए फ़ायदा करेगा। केमिकल होता है बहुत ज़्यादा, जो कैरेटीन के नाम से आजकल शैम्पू बिकते हैं वो सब बकवास हैं। आप हर्बल शैम्पू कोई भी यूज़ करो, उससे आपको फ़ायदा होगा नेचुरल। अब लास्ट में आता है आपका कि अगर बाल टूटे हो तो मोनिकुलर, अगर किसी बच्चे को अगर ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट होगा तो मैं उसका इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, इंडियन हल्क बादल, इंडियन हल्क बादल मारोगे यूट्यूब पे तो गूगल पे तो सारी मेरी आइडिया आ जाती है, बट इंस्टाग्राम पे इंडियन हल्क मारोगे तो इंडियन हल्क में ही मेरा नाम आ जाएगा, इंडियन हल्क HULK बादल, ये मारो, वहाँ पर मैं डालूंगा इसके बारे में। और वो CC भी डालूंगा जो CC मैंने मंगवाई है। आप लोगों को अगर किसी को दिक्कत है तो आप उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, आपके घर पे आ जाएगी, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। 2200-2300 रुपये की समथिंग में 2 CC मंगवाई हूँ और 1 CC आपकी चलेगी कम से कम 1.5 से 2 महीने, बहुत अच्छा है भाई। मैं कह रहा हूँ 3-4 अगर आपने यूज़ कर लिया सारे बाल आ जाएंगे। मेरे पूरा गंजा हो गया था यहाँ से, जब मैं अभी तैयारी कर रहा था पूरा गंजा हो गया था, विदिन 1 मंथ, 1 महीना हो रहा है मुझे, 1 महीने में मेरे सारे बाल आ गए हैं भाई। तो आज करेंगे हम लेग का वर्कआउट। आज मौसम और का बाहर का बहुत जबरदस्त, बारिश पड़ रही है भाई, देखो बहुत खतरनाक बारिश पड़ रही है, जबरदस्त मौसम और का आज मजा आ रहा है मौसम को देख के, ठंडा, बिल्कुल एसी की जरूरत नहीं पड़ रही है। जाएंगे लेग को ट्रेन करेंगे अच्छे से। बड़े गुरु जी बोलते थे कि लोहे के चने चबाने और दांत बोन टूटने चाहिए, इसलिए कहते हैं ज़्यादा हवाबाजी नहीं करनी चाहिए। हवाबाजी करने से ये होता है, किसी अंकल ने तारीफ़ कर दी मेरी और देखो ये हो गया लेग मेरा इंजर्ड, तो सर ने अभी रेस्ट बोल दिया पूरा। अभी सर पूछेंगे, सर भी यही बात बोले कि हवाबाजी नहीं करनी चाहिए। माइक में बोलो सर, वही बोलो। ऐसे लेता हूँ आपको, ऐसे नहीं नेक्स्ट करना कि आज रेस्ट करना है। अब और वेट को वेट समझना है। लेग मार रहा था 150 kg, 130 तक मैं जा रहा था, 150 तक नहीं गया। तो आप ये जो मेरे को चोट लगी है, ये मसल इंजर्ड हुआ है या तो मसल टियर हुआ? नहीं हुआ, इंजर हो सकता था। तो ये क्या है, मतलब मसल इंजर्ड अगर हो गया तो उसका क्या, कैसे पता लगाएगा लगेगा कि मसल? वो तो आप दबाव में कभी पता लगेगा, नीला भी हो जाता अगर टियर हो जाता। अच्छा, हाँ ब्लीडिंग हो जाती ना, स्वेल हो सकता है, मतलब टियर नहीं हुआ लेकिन इंफ्लामेशन हो गया, ठीक है ना। तो अब लेग का वर्कआउट कब होगा?
चार पांच दिन हो जाए, एक ट्रेनिंग मिस करनी पड़ेगी, बाकी तेरे को कल तक पता लग जाएगा। नहीं तो एक ट्रेनिंग मिस कर देंगे। मैंने तो सेम डे कर दी थी बैच। तो हवाबाजी नहीं करनी? नहीं, हवाबाजी कभी नहीं करनी, वेट के साथ बिल्कुल नहीं। तभी मैं बार बार बोलता हूँ सही पोस्चर में मैक्सिमम वेट उठाना है। बड़े गुरुजी कहते हैं ना सर कि लोहे के चने चबाने और दांत नहीं टूटने चाहिए, ये लोहे के चने चबाने। इसका इलाज होता है? ज्यादातर इंक्रीज लाइट वेट पे की होती है, क्योंकि लाइट वेट को हम बड़ा कैजुअल ले लेते हैं, पोस्चर भी लूज छोड़ देते हैं, तो वही ज्यादा इंजरी होती है। हाइट पे भी होती है, लेकिन ज्यादा इंक्रीज लाइट वेट पे होती है। मसल्स, हाँ मसल्स, मॉडरेट वेट जिसको हम समझते हैं, तो लाइट वेट, हाँ मैं 150 पोस्चर लूज छोड़ देते हैं। ओके, अब इसका इलाज? इलाज के लिए आइसिंग करो, इसमें करो कोई एक टैबलेट लेके केमिस्ट से ले, वो थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन ये जो कम कर देगा। ओके, ठीक है। इसे वेलनेस करना है। आप सर, आप कंपेयर कर रहे हो बच्चों से मुझे, मैं हूँ बॉडी बिल्डर, पावर लिफ्टर। उम्र तो देखो सर, इस उम्र में हड्डियाँ टूटती है तो जुड़ती भी नहीं है फिर। उम्र कहाँ हो गया, अभी तो बाल पूरे कर रहे। पीछे एक लड़की है, वो 150 किलो मार लेती है, 150 किलो से ऊपर मार लेती है। पीछे देखो वाइट शर्ट, वाइट टी शर्ट में, सर कह रहे हैं आपसे बढ़िया तो ये वेट मार लेती है। ये देखो, बुढ़ापा आ गया बादल भाई, हल्का हल्का वेट मारो। एक छोटी सी गलती और उसका इतना बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है कि आप परेशान हो जाओगे। अभी इधर वाला लेग मेरा पहले से इंजर्ड था, अब ये लेग रिकवर हुआ बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे, तो अब ये लेग इंजर्ड हो गया। मेरे को समझ में नहीं आता है किसकी नजर लग रही है भाई। लेग पे मेरी किसी न किसी की नजर तो है पक्का, ये तो 100% है। पहला सेट मारा वार्म अप, ऐसा नहीं कि मैंने वार्म अप नहीं किया, अच्छी तरीके से पहले वार्म अप किया। 3 सेट वार्म अप के लिए पहले रॉड से 20 किलो से 50 किलो से, उसके बाद मैं गया फिर 120, फिर 150, 120 से ऊपर नहीं जा रहा था क्योंकि अभी पीसीटी खत्म हुई है। पीसीटी खत्म, जब मैं आपको बता रहा हूं ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि जब भी पीसीटी होती है, पीसीटी के 2-2.5 महीने तक ज्यादा हवाबाजी नहीं करनी है, ज्यादा चौधरी नहीं बनना है। हालांकि मैंने कोई हवाबाजी नहीं करी थी, मैं नॉर्मली वर्कआउट कर रहा था, बट हवाबाजी का मतलब है कि मैं वो कर रहा था जरूरत से जल्दी फास्ट और लाइट ले रहा था वेट को, 150 किलो को मैं लाइट ले रहा था। एक सिचुएशन होती है बॉडी की कि बॉडी कब आपका वेट उठा सकती है, कब आपका वेट नहीं उठा सकती। जब आप पीसीटी के टाइम पर रहते हो, पीसीटी करते हो, तो उस समय मसल जो है आपका वीक रहता है, आपके ज्वाइंट्स वीक रहते हैं, आपका मसल ड्राई रहता है, उसमें इंजर्ड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब हुआ क्या, एक सेट मारने के बाद सर ने मना कर दिया कि अब वर्कआउट नहीं करना है, इवन काफ भी मारने के लिए मना कर दिया। इतना पेन हो रहा है, इतना पेन हो रहा है, मैं आपको यकीन नहीं कर सकता, बता नहीं सकता, इतना ज्यादा पेन है। मेरे से बोला नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, मेरे से ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने काट दिया होगा, नस मसल फाड़ दिया होगा, बहुत ही हालत खराब हो चुकी है मेरी। अब मैं जाऊंगा इसको दिखाऊंगा, पहले तो अब क्या है, पहले तो आइसिंग वगैरह करूंगा, कोशिश करूंगा कि इसको मंडे तक रिकवर कर दूंगा। आज सैटरडे है, संडे कल मैं इसको ठीक करना है मुझे भाई, क्योंकि हम चैंपियन हैं, हम गिव अप नहीं कर सकते हैं, चाहे कितनी भी चोट लग जाए हम जिम आना बंद नहीं कर सकते, वर्कआउट करना बंद नहीं कर सकते। सर ने बोला एक ट्रेनिंग आपको स्किप करनी पड़ेगी, बट मुझे ट्रेनिंग स्किप करनी नहीं है, मैं बाइसेप्स की कर सकता हूँ, चेस्ट की कर सकता हूँ, बैक की कर सकता हूँ, बट लेग की नहीं कर सकता हूँ। लेग तो मेरा सबसे फेवरेट है भाई, मैं लेग की ट्रेनिंग स्किप नहीं कर सकता, मैं इसको ठीक करूंगा मंडे तक, चाहे कुछ भी हो जाए। सर को मैंने दिखाया, सर ने बोला मसल्स तो नहीं फटा हुआ है। तो जब मैं नीचे से ऊपर आ रहा था, लास्ट तीसरा देखो आप, जब नीचे से ऊपर आ रहा था, मैं ऊपर आते समय ऐसा मसल्स मेरा एक के ऊपर एक मसल चढ़ा, या फिर ऐसा लगा कि जैसे मसल्स यहां से क्रैक से टूट गया हो, ऐसा मेरे को महसूस हुआ। तो ये बहुत, वेट तो मैंने गिराया नहीं, वेट मैंने फिर भी रख ही दिया, लेकिन जो हालत मेरी उसके बाद अब हो गई है, अब जैसे जैसे बॉडी ठंडी होती जा रही है वैसे वैसे हालत खराब होती जा रही है। तो भाई ब्लॉग को मैं यहीं खत्म कर दूंगा, आगे ब्लॉग बनाने की हिम्मत नहीं है। जाने से पहले इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जो मैंने गलती की है वो गलती से आप सीखना। सारे भाइयों को मेरा एक ही है कि गलतियां जो हम करते हैं उनसे आप लोगों को सीखना चाहिए, आप लोगों को ऐसी दिक्कत ना हो, इसके लिए मैं डेली ब्लॉग बनाता हूं, अपने डेली दिनचर्या बनाता हूं। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।